तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल मेरा नाम है आरजू एंडियो इज ऑल अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया तो गाइज बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे ऑलरेडी जानते हैं मतलब जो जो वीडियो देख रहे हैं बट अलॉट ऑफ यू वुड बी न्यू और उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि इट्स बिन मोर देन एन इयर कि मैं यहाँ पे हूँ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में एंड आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट परस्यूइंग माई मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स आई मेक वीडियोज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मतलब थोड़े बहुत गाइडेंस इधर उधर जो मुझे पता चलता है वो मैं बता देती हूँ वो चीज़ें मैं शेयर कर देती हूँ तो गाइज इस वीडियो में मैं अपना परसेप्शन और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी जो मुझे लगता है कि मतलब यू नो प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं ये ऑस्ट्रेलिया में रहने के सो इट्स कम्प्लीटली कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माय पर्सपेक्टिव एंड योर थॉट्स एंड योर परसेप्शन एंड योर एक्सपीरियंसेस माइट डिफर फ्रॉम मी तो आप लोग का एक पर्टिकुलर चीज को लेके

आपको बेस्ट एजुकेशन मिलती है और बेस्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती है यहाँ पे तीनों चीजों को मैं आगे जाके ब्रेक डाउन करूंगी बट फर्स्ट पॉइंट यही था कि यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छी है ठीक है तो गाइज मूविंग ऑन टू आर सेकेंड पॉइंट विच इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो है सेफ्टी तो गाइज जो ऑस्ट्रेलिया का क्राइम रेट है वो बहुत ज्यादा कम है इफ वी कंपेयर इट टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड अगेन कम है अपनी बेटियों को यहाँ पे भेजते हैं दे आर मतलब उनको थोड़ा सा ना दे आर लिटिल बिट उनको ये होता है कि यार सेफ है कि नहीं वहां पर मतलब हमारी बेटी अकेली जाएगी वहां जाना सही है कि नहीं बिकॉज Like जहाँ पे safety concerns बहुत ज़्यादा है जहां पे आपके पेरेंट्स हर चीज को लेके आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं कोई भी काम करना हो आपके पेरेंट्स करके दे देते हैं तो उनको ये चीज और ये थॉट बहुत परेशान करता है कि यार सेफ है कि नहीं हमारी बेटी वहां पे जाएगी और नाइट शिफ्ट करेगी तो कर सकती है ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तो उन सब पेरेंट्स के लिए या फिर उन सब लड़कियों के लिए या सबके लिए ही है वैसे तो ये बात बट हाँ स्पेशली पेरेंट्स के लिए जिनको थोड़ी सी शंका होती है मन में सो उनके लिए मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा सेफ है मतलब एक इंसिडेंट बताती हूँ तो जैसे मेरी एक फ्रेंड है तो वो यहाँ पे नई नई थी तो उसकी जॉब लगी यहाँ पे जो कि थी नाइट शिफ्ट तो उसकी मम्मी का मेरे पास फोन आता है कि नाइट शिफ्ट कैसे करेगी और जो नाइट शिफ्ट लड़की कैसे जाएगी रात में कैसे करेगी तो मैंने उनको समझाया कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे अगर कोई कह रहा है ना नाइट शिफ्ट तो लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि पे रेट एक्स्ट्रा होता है और नाइट शिफ्ट की वजह से आपका जो मतलब दिन के जो काम है वो भी बहुत सॉर्टेड हो जाते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली आपको दिन में अपनी ऑफ uh, वो करना होता कॉलेज करना होता है। और उसके बाद अगर आपकी जॉब नाइट की है तो वो

ऐसे माहौल से आना तो उन पेरेंट्स के लिए मैं कहूँगी कि यहाँ पे जो वर्क प्लेस है चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो वो बहुत सेफ हैं बहुत ज्यादा सेफ है आप समझ गए ना तो इट्स ऑल सेफ थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम जो कि मैंने अभी ऊपर बात की थी एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो थर्ड पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया हैज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनमी जिसकी वजह से जो सैलरीज हैं लोगों की या जो पे रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई है इफ वी इट टू अदर कंट्रीज जो यहाँ पे मिनिमम पे रेट है वो भी बहुत ज्यादा हाई है बाकी सब कंट्रीज से आप समझ रहे हो तो हाई इकोनॉमी होने की वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट और सैलरीज और पे रेट वो सब बहुत ज्यादा है फोर्थ पॉइंट आते हैं जो मैंने ऊपर बात की थी वो है वेरी हाई क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर तो गाइज ऑस्ट्रेलिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और यहाँ की जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज है वो टॉप हंड्रेड यूनिवर्सिटीज में आती हैं पूरे वर्ल्ड में और अभी 2023 में ऑस्ट्रेलिया की जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसको थर्ड रैंकिंग दी गई है पूरे वर्ल्ड में तो मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है जो फोर्थ चीज आती है वो सबसे ज्यादा मतलब बहुत अच्छी है और वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल कंट्री मतलब मैं मेरे पास है ही नहीं गाइज जो लोग मुझे Instagram पे फॉलो करते हैं मैं वहाँ पे स्टेटस लगाती हूँ जहाँ भी मैं घूमने जाती हूँ तो अगर आप नहीं करते तो पहले तो फॉलो करो वहाँ पे मतलब मैं डाल देती हूँ जहाँ भी जा रही हूँ और गाइज मैं सच बता रही हूँ कल भी मैं येस्टरडे आई वेंट टू पार्क बीच और वो इतना ज़्यादा सुंदर मतलब मैं कहूं मेरी आंखों के अंदर कैमरा फिट होना चाहिए मतलब जो मुझे आंखों से दिख रहा है ना वो मैं आप लोग को दिखा सकू मतलब कैमरा डज नॉट डू दस्टिस इतना सुंदर है इतना प्यारा है तो आपको हर टाइप का लैंडस्केप मिल जाएगा आपको बीचेस देखने हैं यू कैन फाइंड एंडलेस बीचेस बहुत सारे बीच मिल जाएंगे आपको माउंटेन्स में जाना है वहां पे आप जा सकते हो फिर अगर आपको स्नो में जाना है तो यहाँ पे मेलबर्न में ही मेलबर्न के पास में ही एक माउंट बुलर नाम की जगह है वहां पे स्नो होती है थोड़े टाइम के लिए आप वहां जा सकते हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है एंड देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर मतलब मुझे एक साल से ऊपर हो गया और मेरे को लगता है मैंने कुछ एक्सप्लोर किया ही नहीं है अभी तक क्योंकि इतनी सारी चीजें इतनी सारी चीजें ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने ही जन्म लगेंगे यहाँ पे मतलब पूरा एक्सप्लोर करने में पूरा चीजों को देखने में नेक्स्ट आता है इज ऑस्ट्रेलियंस यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो लोग है जो औजी है ठीक है जो यहाँ के लोकल्स हैं दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली एंड वेरी पोलाइट मतलब अगर आप कहीं स्ट्रक हो मतलब स्पेशली अगर आप नए हो तो आपको कुछ कुछ चीजों में ना दिक्कत आ सकती है आप कहीं बाहर अकेले निकले हो आपको बहुत चीजों में प्रॉब्लम आ सकती है नेविगेशन में दिक्कत आ सकती है कुछ कुछ कहीं जाना है नहीं मिल रहा तो अगर आप किसी औजी से पूछोगे ना दे आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल बहुत ज्यादा हेल्पफुलर की वो आपकी हेल्प कर रहे हैं अगर आप भी नए हो तो आपको भी कभी ये हो ना कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा या किसी की हेल्प तो आप बेझिझक पूछ सकते हो और यहाँ पे लोग आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे अगेन एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर तो सब एक जैसे नहीं होते बट हाँ अगर आप जनरली देखोगे तो ये लोग बहुत स्वीट होते हैं और बहुत पोलाइट होते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ऑस्ट्रेलिया इज मल्टी कल्चरल तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज के लोग आते हैं बहुत इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं फिर जो लोग वर्क वीज़ा पे आते हैं जो लोग हॉलीडे पे आते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग यहाँ पे आते हैं तो ये जगह बहुत मल्टी कल्चरल है जो आपको कभी भी अपने कंट्री में एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगी तो अब जैसे यहाँ पे इंडियंस भी हैं यहाँ पे चाइनीज भी हैं यहाँ पे वेतनामीज भी हैं यहाँ पे नेपाल भूटान बांग्लादेश यू नेम इट एंड यू गेट इट मतलब यहाँ पे बहुत सारे टाइप के लोग हैं तो इन शॉर्ट आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हो डिफरेंट 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 फेस्टिवल्स कल्चर्स टाइप के लोगों से बात करके उनके कल्चर के बारे में जान सकते हो समझ गए ना तो वो सारी चीजें नेक्स्ट पॉइंट है, है यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में तो तो टाइज अगर आपका जो काम है वो डिलीवरी वाला नहीं है ऐसा कुछ काम आप नहीं करते हो जिसमें दैट वहाँ जाना है ये वो करना है अगर आपका ऐसा है कि हाँ भाई ये मेरा वर्क प्लेस है मुझे यहाँ पे जाना है काम करना है मुझे वापस आना है ऐसा कुछ है तो यू कैन कम्प्लीटली रिलाय ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ मुझे जाना होता ऑफिस सुबह नौ बजे पहुंचो पांच बजे निकलो एंड देट सेट ठीक है तब तो उसके लिए मुझे कार की जरूरत है ही नहीं मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिस चीज में मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ से जाती हूँ स्टेशन वहां पर आप जाओ आप उतरो अपने स्टेशन पे वहां से आप अपने काम पे जाओ दैट्स हाउ यू डू इट और मुझे नहीं लगता मुझे कभी भी प्रॉब्लम हुई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से देर आर केसेस जब ट्रेन रिप्लेसमेंट लगती है बट देन दे गिव यू अ बस टू ट्रेवल वहां पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि उनको मतलब एंड मोमेंट पे मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती है जब आप ट्रेन नहीं चल पा रही लेकिन वो चीजें तो दिवस तो मतलब, तो ये चीजें तो थी जो मुझे मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी लगी मैंने बहुत सारी चीज हो सकती है जो मैंने मिस कर दी हो या आप लोगों के हिसाब से कोई और चीज हो जो आपको बहुत पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताओ यार वो चीज तो गाइज मूविंग ऑन टू

तो सिटी में क्या होता है सिटी में बहुत चहल पहल होती है ठीक है बहुत सारी चकाचौंध लाइट्स बहुत बहुत सारे लोग और आपको बहुत, मतलब लाइवली फील हो रहा होता अगर आप सिटी में हो और अगर आप सिटी से जैसे जैसे दूर मूव होना शुरू करते हो तो आपको उतना ही मतलब खुला एरिया बड़े घर पीसफुल एन्वाई कोई शोरगुल नहीं क्वाइट किसी को किसी का नहीं पता कौन इस घर में रह रहा है कौन कहाँ रह रहा है कुछ नहीं पता आपको कोई बंदा नहीं दिखेगा सड़क पे तो ऐसी लाइफ होती है सबर्ब्स में अब आप मेरा परसेप्शन पूछो मैं बताती हूँ आपको मतलब यार वही मैं कह रही हूँ इस चीज में बहुत लोग डिफर कर सकते हैं बट मैं अपना बताऊ मैं जब शुरू में आई तो मैं शुरू के एक महीना रही बालाकलावा में बालावा बाला इज नियर टू सिटी मतलब दस मिनट का रास्ता है ठीक है बट पहले महीने में आपको कुछ आप पहले महीने में तो आप फिगर आउट ही कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं समझ में आता ठीक है तो तो एक एक महीने में मैं मैं से से हो हो गई गई थी थी और थी, Leverton. Leverton एक मतलब सिटी से लगा लो चालिस, प, चालिस तो नहीं 35, 40 minutes दूर सबर्ब है ठीक है तो लेवरटन ऐसा था कि वहां मुझे मैं वहां पे दो ढाई तीन महीना रही और वहां पे मैं आपको सही बताऊ पे कोई आदमी नहीं दिखा वहां पे कोई मुझे दिखा ही नहीं तो वो फेज मुझे बहुत बुरा लगा यहाँ पे आने का आने के बाद जब आप नए नए हो आप होम कर रहे हो और आपको अपने आसपास कोई बंदा ही नहीं दिख रहा मैं सही बता रही हूँ पांच बजे के बाद तो मुझे वहां कोई दिखाई नहीं सिर्फ पेड़ ऐसे झूम रहे हैं <laughs> और कोई आपको बंदा नहीं दिख रहा आप अपने घर जा रहे हो सड़कों पे कोई नहीं है ना कोई दुकान है ना कोई लाइट जल रही है कुछ नहीं

के पास सब चीजें होंगी हर चीज का एक्सेस होगा ठीक है आपका घर अच्छा होगा सब कुछ होगा बट जो चीज अच्छी नहीं होगी वो है अपना पन, अपने लोग वो मिलने थोड़े से मुश्किल है, क्योंकि वही है यार यहाँ पे ना अकेलापन आदमी को बिल्कुल खाली कर जाता है और फिर कुछ अच्छा नहीं लगता ठीक है तो अकेलापन यहाँ पे ऐसी चीज है जो मुझे अच्छी नहीं लगी ठीक है पर मैं आप सबको बोलूंगी कि अपना आप जैसे आ रहे हो अपना को बिजी रखो ताकि आप उस चीज़ में ना पड़ो. बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ठीक है जहा पर मैं रह रही थी मुझे ना वो जगह अच्छी लगी और ना मुझे वो सब अच्छा लगा इन सेंस बहुत खाली खाली था फिर उसके बाद मैं मूव हुई ग्लेन हंटली विच इज लाइक फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स अवे फ्रॉम सिटी और वो सबब इतना अच्छा था मतलब लिटरली मेरे दिल के बहुत करीब है मुझे वो वहां पे जाके मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार पांच बजे के बाद भी लोग दिखते हैं पांच बजे के बाद भी हाँ दुकानें खुली हैं लोग हैं यहाँ पे तो वहाँ जाके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और वहां जाके मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होना होन, शुरू हुआ और वो इसीलिए भी क्योंकि उस टाइम मैंने अपना घर ले लिया था वहां पे आई वॉज नॉट Staying with anybody. मतलब मैं शेयरिंग में तो सुकून हो, तो मतलब हो, तो अच्छा फील होता है तो ये स्टोरी थी सिटी वर्सेज सबर्ब्स में रहने की उसके बाद सेकेंड पॉइंट है की इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बी फ्रेंड्स विद लोकल्स यानी की जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस हैं हैं जो है, उनके साथ दोस्ती बनाना इट्स लाइक like, मुश्किल है बहुत ज़्यादा अगर आप बात करो यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी में मैं आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक अलग ही बैच बना होता है उनको लोकल्स के साथ पढ़ाया जाता ही नहीं है लोकल्स को अलग रखते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलग रखते हैं एंड दिस इज फैक्ट विच इन टर्न वो आपको मतलब मौका ही नहीं मिल रहा है लोकल्स के साथ इंटरक्ट करने का उसके बाद अगर मैं बात करूँ लोकल्स की तो मैंने ये चीज जरूर कही है कि दे आर पोलाइट दे आर फ्रेंडली बट ऑन द अदर हैंड दे आर रिजर्व मतलब यार ये चीज तो आप उसी चीज से देख लो कि जब आप इधर आते हो वी ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर सेम काइंड ऑफ पीपल हमारे जैसे कि ठीक है यार मैं हरियाणा से हूँ मुझे कोई ये चाहिए यार हरियाणा से मिल जाए कोई और वो हम क्यों करते हैं वो हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम उनके साथ रिलेट कर सकते हैं सिमिलरली विदेम उनको भी ये होता है कि यार हमें हमारा टाइप का बंदा मिले कि जिसके साथ हम रिलेट कर सकें फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू इफ यू वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद एन ओजी तो जो आपकी जो बातें हैं ना वो को रिलेट करनी चाहिए अब आप उसको अगर ये बताओगे कि मैं बचपन में गुल्ली डंडा खेलता था उसको वो चीज को समझ में नहीं आएगी आप समझ रहे हो तो रिलेट की बात वो होती है तो अब उनके जोक्स अलग है हमारे अलग है हमारा टाइप ऑफ लिविंग अलग हुआ है, उनका अलग हुआ तो इट्स बिट डिफिकल्ट टू टॉक विद देम या फिर टॉक नहीं उनके साथ फ्रेंड्स बनना नेक्स्ट आता है भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग पे तो जब मैंने कहा कि लिविंग स्टैंडर्ड्स हाई हैं क्वालिटी ऑफ लिविंग बहुत अच्छी है तो उसके साथ कॉस्ट ऑफ़ लिविंग भी आती है यानी कि महंगाई तो डॉलर में कमा रहे हो और ज्यादा कमा रहे हो तो ज़्यादा ही खर्च रहे हो मतलब कि ऐसा है यार मतलब आपकी सैलरी आएगी और आपकी सैलरी निकल जाएगी वैसा सिनेरियो भी होता है यानी कि आप अपना हाउस रेंट भर रहे हो आप अपने बिल्स भर रहे हो फोन बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल गैस बिल वाटर बिल वाईफाई बिल ठीक है इन सब के बाद आप अपनी ग्रोसरी कर रहे हो और मैं आपको एक बात बताऊं अगर आप यहाँ पे एक दिन खाने चले गए अपने फ्रेंड्स के साथ तो वो जो खर्चा होगा ना वो आपकी एक हफ्ते की ग्रोसरी जितना होगा यानी कि अगर एक हफ्ते में आप हंड्रेड डॉलर स्पेंड कर रहे हो अपनी एक हफ्ते की ग्रोसरी लेने के लिए तो वो हंड्रेड डॉलर सिर्फ आप एक टाइम के वो डिनर करने गए हो तो उसमें लग जाएंगे तो वैसा कुछ होता है मतलब अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ गए तो बाहर खाना खाना इज वेरी एक्सपेंसिव अगेन हेल्थ केयर इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव आई नो कि आप लोग इंश्योरेंस लेके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंश्योरेंस लेके आते हैं लेकिन कुछ सर्विसेज होती हैं जैसे डेंटिस्ट के पास जाना या फिर जो आपके पर्सनल ट्रीटमेंट्स होते हैं कोई भी फेस स्किन ट्रीटमेंट वो सारी चीजें

सिर्फ थ्रेडिंग टेन डॉलर की होती है 56 into 10, 560 रुपीज की बनती है, तो न, समझ जाओ कि महंगाई बहुत ज्यादा है चाहे आप बाहर खाने चले जाओ चाहे आप घर खा रहे हो लेकिन अगर हम कंपेयर करें बाहर खाने का घर पे खाने से तो घर पे खाना इज वे वे चीपर देन बाहर का खाना खाना हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है ऊपर से पैसे भी आपके सेव होते हैं नेक्स्ट आता गए वेदर का तो वेदर मैं दूसरे सिटीज का तो नहीं बता सकती बट मैं अपने का बता दूं कि मेलबर्न का वेदर है पूरा अनप्रिडिक्टेबल ठंड हो रही है उसी टाइम बारिश हो रही है फिर धूप निकल रही है धूप निकल रही है नेक्स्ट मिनट पे ही बारिश हो रही है वो सीन रहता है यहाँ पे लेकिन एक तरीके से मैं कहूंगी कि ये चीज़ ठीक भी है मेलबर्न की क्योंकि मेलबर्न में क्या है कि जैसे ही गर्मी होने लगेगी जैसे ही गर्मी होने लगेगी वैसे ही बारिश आ जाती है जिसकी वजह से गर्मी ज्यादा बढ़ती ही नहीं है मेलबर्न में लेकिन अगर आप कंपेयर करो मतलब अगर आप ऑस्ट्रेलिया के नदर्न पार्ट में चले जाओ नॉर्थ साइड तो वहां पे जैसे डार्विन है दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हॉटेस्ट एरियाज वहां पे बुश फायर मतलब जो जंगलों में आग लग जाती उतना सब भी होता है वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो अगर मैं उस चीज में देखूँ तो मेलबर्न बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे ऐसा बहुत ज्यादा वाला किसी भी चीज में बहुत ज्यादा ना यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही ना बहुत ज्यादा ठंड हो रही ना बहुत ज्यादा गर्मी हो रही तो वैसा है तो मेरे को अच्छा लगता है बट हाँ अनप्रिडिक्टेबल बहुत ज्यादा है नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ के बारे में तो गैस, ये तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि वहां पे ऐसे सांप आ जाते हैं टॉयलेट में से निकल के वहां पे घरों में सांप घुस जाते हैं ये घुस जाता है वो घुस जाता है तो गाइज ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है अगर आपको वाइल्ड लाइफ देखनी है तो आपको बिल्कुल ही मतलब वो रूरल जो सबर्ब्स हैं उस साइड जाना पड़ेगा वहां तो आपको ये कैंगरूज वगैरह दिख जाएंगे मतलब सड़कों पे भी आ जाएंगे लेकिन अगर आप सिटी के पास हो या आप मतलब यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रही हूँ इस साइड ऐसा नहीं है कि कैंगरू निकल, निकल आएगा आप थोड़ा थोड़ा दूर बिल्कुल मतलब में जाते रहोगे तब आपको वो चीज़ एक्सपीरियंस हो सकती है बट उससे पहले आपको वो चीज देखने को नहीं मिल रही हाँ स्पाइडर्स दिख जाते हैं मतलब स्पाइडर्स वो भयंकर वाले नहीं कि हाँ खौफनाक जाले दिख जाते हैं पर स्पाइडर्स तो मुझे आज तक नहीं हुआ मुझे डेढ़ साल होने को है बट मुझे ना तो स्पाइडर सांप ये कीड़े मकोड़े ऐसा कुछ नहीं दिखा मुझे यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई बहुत ही ज्यादा भयंकर है बट हाँ आई नो ऑस्ट्रेलिया बट अगर आप रेजिडेंशियल uh, एरिया में रह रहे हो तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं यहाँ पे कोई भी ऐसा कीड़ा मकोड़ा नहीं आता है सो इज इन आप मुझसे पूछो इज इट वर्थ कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया आई वुड से यस ठीक yes. है बिकॉज मैं तो इसलिए कहूंगी यार ऑस्ट्रेलिया ने मुझे मतलब सब कुछ ही दिया है मुझे एम्प्लॉयमेंट दी है मुझे एजुकेशन दी है अभी चल ही रहा है सब कुछ बट <laughs> हाँ मैं तो कहूँगी यार ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ बेस्ट बेस्ट कंट्रीज अगर आप मुझसे करंट सिनेरियो पूछो कि अभी जॉब्स का क्या चल रहा है ये वो तो मैं कहूँगी अभी सब कुछ बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है बहुत ज्यादा मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देख लो लॉजिस्टिक देख लो फूड इंडस्ट्री बहुत बढ़िया चल रही है वो चलती रहेगी क्योंकि यार खाना तो कभी लोग बंद करेंगे नहीं आप समझ रहे हो तो वो चीजें हो गए लोग लोन्स लेने चाह नहीं रहे जिसकी वजह से पैसा मूव इधर उधर हो ही नहीं रहा पैसा मूव कैसे होता है जब आप लोग लोन लेते हैं और फिर कोई चीज खरीदते हैं और फिर उसकी किस्तें देते हैं स्टॉप हो रखी है और लोग अभी खर्चा नहीं कर रहे किसी भी चीज में जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा जो पैसे की मूवमेंट है वो रुकी हुई है जिसकी वजह से काम अभी रुके हुए हैं बट सून मतलब दोबारा से सब कुछ शुरू होगा आई होप सो और उसके बाद इट्स ऑल गुड जिनको जॉब्स मिलने में अभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करनी पड़ रही है जिनको दो महीने तीन महीने हो गए और जॉब्स नहीं मिली है आई होप आप सबको जॉब्स मिल जाएंगी और कीप ऑन ट्राइंग ऐसा नहीं है कि घर पे बैठे रहोगे तो जॉब्स मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं है तो अपनी ट्राई मत छोड़ो अपना रिज्यूमे लेके जाओ आप जहाँ रह रहे हो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करो सिटी में डिस्ट्रीब्यूट करो बिकॉज आई थिंक आई कवर्ड इट ऑल ठीक है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना कमेंट कर दो नीचे और प्रोज एंड कॉन्स आप लोग बताओ मुझे कि आप लोगों को क्या लगा अभी तक यहाँ पे आने के बाद भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी साइनिंग ऑफ मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय एंड टेक केयर